अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ के बारे में बहुत अहम जानकारी देने वाला हूं कि कुरान शरीफ में कितना पारा है, कितना रुकू है, कितना सजदा है और सजदे की क्या पहचान है और कौन सा सजदा आप कर रहे हैं वो आप कैसे जानेंगे, कौन सा रुकू कहां पर है यानी कि आठवां रुकू है या नौवां रुकू है ये भी आपको बताने जा रहा हूँ, और आयत जो कुरान शरीफ में है वो कितनी आयत है और आयत की क्या पहचान है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी आयत यानी कि कितने नंबर की आयत है, और कुरान शरीफ में कितना सूरा है, कितना बिस्मिल्लाह है, और कुरान शरीफ में कौन सा वो पारा है, कौन सा वो सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस सूरा में नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, ये इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ रहे थे कि हजरत सजदा के बारे में आप बताइए कि कुरान शरीफ में कौन सा सजदा किस पारे में है, किस सूरा में है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुरान मुकद्दस आपको पता ही है कि तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब है, सबसे बड़ी किताब है। जैसे आसमानी चार किताबें जो मशहूर किताब है, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान शरीफ, जो आप सभी को पता ही है कि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, और यह कुरान मुकद्दस हमारे और आपके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। पूरे कुरान शरीफ जो रोए ज़मीन पर उतरी है, नाजिल हुई है, वो पूरे 23 साल में नाजिल हुई है। वाकया बहुत तवील है, मैं आपको वाकया नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि कुरान मुकद्दस में 30 पारा है, जो आप सभी को मालूम है। कुरान मुकद्दस में 540 रुकू हैं, ठीक है। रुकू किसको कहते हैं और कैसे पहचानेंगे, तो इसको आप जान लीजिए, मैंने यहाँ पर खोला है, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दिखा रहा हूँ, कोई बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह का एक कलाम है। ये आप देख पा रहे हैं इधर, रुकिए यहाँ पर दिख नहीं रहा, इधर निकालता हूँ, ये देखिए, जैसे ये रुकू है, ठीक है, इसको आप रुकू कहेंगे। ये छठा रुकू है, पारा ये 20वां है और सूरा कसस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सूरा कसस दिखाई देगा, ठीक है। और रुकू ये नीचे में जो, जैसे एक ऊपर नंबर है एक नीचे नंबर, तो नीचे वाला जो नंबर है यही रुकू की पहचान है और रुकू का वही नंबर है। यहाँ पर देखिए ये आठवां रुकू है, उर्दू में लिखा हुआ होता है, यहाँ पर देखिए ये नौवां रुकू है। तो रुकू की पहचान आपको समझ में आ गई। अब आयत, तो आयत जो है आप पूरे कुरान शरीफ में कहीं भी निकालेंगे आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये है आयत, इसी को आयत कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से देखिए यहाँ भी है, तो इसी को आयत कहते हैं। ये तमाम तरह आयत है, ये उर्दू के नंबर है, ये 60वां आयत है और ये 62वां, ये 63वां, ये 64वां ये आयत है। इसी तरीके से एक एक सूरा में बहुत आयतें रहती हैं, ये देखिए 88 आयत है नंबर जो है इसके। तो रुकू और आयत आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको सजदा के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आखिर में ये बताऊंगा कि कौन से सूरे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, बहुत कम लोगों को ये मालूम है। तो सजदा इसमें पूरा 14 सजदा है, ठीक है। और पहला सजदा जो इसमें है वो नौवां पारा में है। नौवां पारा जब आप 14 रुकू निकालेंगे कुरान शरीफ में तो आपको ये मिल जाएगा। सूरा अनफाल से पहले, सूरा की पहचान जो है देखिए, सूरा यहाँ लिखा हुआ रहता है, सूरा अनफाल, ठीक है। और यहाँ आप देखिए इसके नीचे में, एक सेकेंड, मैं बहुत अदब के साथ हालांकि इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कुरान शरीफ से बेअदबी ना हो जाए। यहाँ देखिए ये है सजदा, यहाँ पर सजदा लिखा, पहला सजदा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला एक लिखा हुआ है, ये पहला सजदा है। इसी तरीके से अगर आप और सजदे की तरफ जाएंगे, जैसे मैं आपको एक और सजदा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये 16वां पारा है, ठीक है, ये पारा 16 है। इसमें अगर आप एक सजदा और देखें, यहाँ आप देखिए ये 6 रुकू है, यहाँ मैंने आपको रुकू की पहचान बताई थी कि इधर 6 रुकू है, यहाँ एक सजदा है, तो सजदा है। और इधर देखिए नंबर, ये उर्दू के नंबर है, तो ये 5वां सजदा है। इसी तरीके से 14 सजदा है कुरान शरीफ में। और सूरा इसमें जो है वो 114 सूरा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 114 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ठीक है। आयत कितनी है मैं आपको शायद नहीं बताया, आयत इसमें 6666 है, ठीक है। वो कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं हुआ है, तो वो सूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सूरा है सूरा तौबा,
ठीक है। सूरह तौबा के बारे में अलग अलग अकवाल है, कुछ उलमा कुछ और बताते हैं, कुछ उलमा कुछ और बताते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए ये है सूरह तौबा, ये दसवां पारा में ये सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, उसके बारे में भी आप लोग नहीं जानते होंगे कि बग़ैर सूरह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, आपको पता है। और मैं आखिर में ये भी बता दूंगा कि सूरह रहमान किस बारे में है, सूरह यासिन किस बारे में है, सूरह वाकया किस बारे में है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 19वां पारा में यहाँ पर अगर आप 17 रुकू में जाएंगे तो वह यहाँ देखिए वह इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान मुकद्दस की एक जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सूरह यासिन जो है वो 22वां पारा के आखिर में जब आप जाएंगे, बिल्कुल आखिर में, तो वहाँ आपको सूरह यासिन मिल जाएगा। ये 23वां पारा है और ये 22वां पारा है, 22वां पारा के आखिर में देखिए सूरह यासिन, ठीक है। सूरह रहमान अगर आप देखेंगे तो सूरह रहमान आपको 27वें पारे में मिल जाएगा, 27वां पारा अगर आप 10 रुकू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए सूरह रहमान मिल जाएगा। और ये सूरह ख़त्म होने के बाद ही सूरह वाकया है, ये देखिए सूरह वाकया। मुझे उम्मीद है कि कुरान मुकद्दस की कुछ जानकारी जो आपके जहन में कभी कभी आते हैं होंगे कि सूरह कितना है, सजदा कितना है, बिस्मिल्लाह कितना है, तो वो मैंने आपको बताया और दिखाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।